हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रैक्टिस कैसी चल रही है आपकी हाँ पढ़ तो रहे हैं बहुत अच्छी बात है अच्छे अच्छे नए नए कंसेप्ट जान रहे हैं हाँ पर आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे मल्टीपल टाइम तो पढ़ना आपका व्यर्थ समझो है तो आपको मैंटेन करने के लिए भाई टाइम टाइम पर पिछला जितने भी आपने कुछ पढ़ा है सबका मल्टीपल टाइम रिविज़न जरूर करना है करेक्ट तभी आपको पढ़ने में अल्टीमेट मजा आएगा वरना आप इतना देखो पढ़ने को होता है भाई हाँ जी एस बी है आपका हाँ जो हिंदी लिए हिंदी है जिनका मैथ जिनका इंग्लिश का है बैकग्राउंड वो इंग्लिश करेक्ट इसके बाद अपना आ गया रीजनिंग मैथ हाँ एडवांस आर्थमेटिक तो पढ़ने को बहुत है छोटा सा अपना माइंड है पढ़ने को तो बहुत कुछ है तो सब चीज़ याद रखनी है ना तो याद रखने के लिए देखो कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर कीजिए उसके बाद शॉर्ट नोट्स के तरीके आप अपना पढ़िए तो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी साथ में जोड़िए तभी आपका बढ़िया स्कोरिंग की मात्रा बढ़ने लगेगी तो चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हाँ शेयर लिस्ट में वीडियो को मल्टीपल टाइम लोगों तक ऐड जरूर करिए चलिए प्रीवियस क्लास में हमने फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन किया था जो कि मैंने बहुत ही आपको बेसिक से बताया था कि जो एग्ज़ामिनर ने आपके ये ऑप्शन दिए थे भाई एग्जामिनर ने जो ऑप्शन दिए थे तो उसने ऑप्शन बनाते हुए ध्यान नहीं दिया हाँ उन्होंने क्या किया किसी महिला मित्र के चक्कर में या बात वगैरह कर रहे हैं या किसी भी रीजन से कहीं व्यर्थ होंगे तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बस ऐसे कर दिया तो उन्होंने देखो बी नंबर और डी नंबर दोनों ही अपने क्या सेटिस्फाई हो रहे थे कॉस के 120 डिग्री और कॉस के 240 डिग्री पे हमारा जो कॉस एक्स का वैल्यू होता है माइनस का वन बाई रूट टू माइनस का वन बाई टू करेक्ट तो दोनों पे हमारा एक कॉस 120 और कॉस 240 दोनों पे सेटिसफाई हो रही थी हाँ दोनों एंगल पे सेटिसफाई हो रहा था वैल्यू सेम निकल रही थी तो आप पॉसिबिलिटी के हिसाब से तो दोनों में से कोई आंसर टिक कर नहीं सकते क्योंकि दोनों ही करेक्ट हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो बन नहीं रही है दोनों ही 100% करेक्ट है सेटिस्फाई हो रही है तो एग्जामिनर को यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाते हुए इसका क्या रेंज देनी चाहिए थी करेक्ट जो हमने आपके लिए रेंज बनाई थी जो 90 से 180 के बीच में होना चाहिए तो आपके दो एंगल की वैल्यू थी एक तो 120 और सेकंड था, था, आपका 240 90 से 120 में आपका 240 तो आ नहीं रहा था तो इस एंगल को आप मेजर नहीं करेंगे तो मेजर कौन सा वाला एंगल करेंगे आप 120. इसके बाद ये अपना मैग्नीट्यूड था ये अपना मैग्नीट्यूड था फिर इसके बेस में हमने 120 रखा एक्स की जगह पे बहुत इजीली हमारा आंसर आया था करेक्ट चलो तो एग्जामिनर को क्या याद रखना था कि ये इनक्वालिटी देनी थी जब ये इनक्वालिटी दे, दे देगा तब कौन सा राइट हो जाएगा आपका 120। करेक्ट चलिए चलते नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए फिर वही क्वेश्चन आपका किस में दिया गया था ये आया था आपका एस एस सी में 2020 में आया था एग्जामिनर ने सही से ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसने रेंज नहीं दी थी करेक्ट फिर उसने अपनी गलती मानी हाँ कि भाई हाँ मैं अपने हाँ किस ध्यान नहीं दिया और थोड़ा सा मिस्टेक अब यार क्या करो एग्जामिनर है वो भी आपकी हम लोगों की तरह ही है काफ़ी सारे काम होते हैं उनको हाँ चलिए तो हो सकता है इंसान सही गलती होती है चलिए हाँ तो उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और पंद्रह नंबर क्वेश्चन आपका उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और एस एस सी में दिया क्वेश्चन 2023 में भैया फिर आया ये अब उन्होंने अपनी गलती सुधारी और देखिए उसी क्वेश्चन को ऐसे बना के दिया अब उन्होंने यहाँ पे इसकी रेंज दे दी कि क्या कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन बाई टू कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन बाई टू जो x है वो लाई कर रहा है x अब किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है x जो है वो लाई कर रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट बहुत बढ़िया देखिए अब यहाँ पे उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और आपको रेंज के माध्यम से बताया देन tan x की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है चलिए तो देखिए कैसे आपने देखा था कि cos के cos के cos आपने अभी पीछे सॉल्व किया ना cos के cos x के दो डिग्री पे मान होता है ये माइनस के वन बाई टू किस हाँ ये माइनस वन बाई टू किस किस डिग्री पे सेटिसफाई करेगा तो अभी आपने पीछे देखा ना एक तो एक सौ बीस डिग्री पे एक तो एक सौ बीस डिग्री पे और और एक दो सौ देखिए भाई ये देखो लाइक किस पे कर रहा था कॉस के माइनस वन बाई टू किस पे लाएगा एक तो एक सौ बीस पे और एक दो सौ चालीस पे हाँ दो एंगल पे सेटिसफाई कर रहा था हाँ तो देखिए एक सौ बीस पे और दो सो चालीस पे ये दोनों एंगल पे ये सेटिस्फाई कर रहा था, था, था।, था, था। तो पर अब एग्ज़ामिनर ने आपको क्या दे दिया अब भाई मेरे एग्जामिनर ने आपको दे दिया ये कि अब ये एक्स है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में है किसमें थर्ड क्वाड्रेंट पे देखिए थर्ड क्वाड्रेंट आपका कहाँ पे होता है ये ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें आपके ऑल पॉजिटिव हाँ इसमें आपके ऑल पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन पॉजिटिव करेक्ट तो देखिए एक्स के किस पे चर्चा की गई है कि जो आपका भैया एक्स है वो थर्ड क्वार में है करेक्ट एक्स जो है आपका थर्ड में है तो चलिए और टेन एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी, करनी है तो कैसे रिलेट कर पाएंगे बताइए बहुत ईजी हो गया आप अब ये बहुत ही ईजी हो गया तो देखिए आप देखेंगे कि जो आपके थर्ड क्वारन की जो रेंज होती है थर्ड क्वार की आपकी जो रेंज होती है कितनी होती है एक डिग्री से दो डिग्री तक ये आपकी थर्ड क्वारंट की रेंज होती है तो देखिए आप इनमें से कौन सा एंगल लेंगे तो देखिए अगर आप 240 लेंगे तो वो आपका देखो अगर आप 120 लेंगे तो ये इसके रेंज के अंदर नहीं आ रहा क्योंकि वो पहले ही है इसके ये तो ज्यादा है तो 120 आपका इस रेंज में नहीं आएगा तो आएगा कौन सा आएगा भाई आपको दो तो एक्सी की जगह पर क्या रखेंगे दो फाइंड करना है आपको फाइंड करना है आपको देखिए फाइंड करना है आपको टेन हाँ टेन एक्स तो एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे अब भाई एक्स की जगह पे पुट करेंगे आप एक्स की जगह पे पुट करेंगे कितने डिग्री दो सौ चालीस डिग्री करेक्ट दो सौ चालीस डिग्री आप करेंगे एक्स की जगह पे पुट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको बना के लिखिए कि एक्स की जगह पे अब आप पुट करेंगे कितना दो सौ चालीस डिग्री करेक्ट चलो अब करते हैं इसको भाई सॉल्व तो चलिए टेन टेन और एक्स एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे आप दो सौ चालीस डिग्री अब इसको आप कन्वर्ट कीजिए नाइन्टी के फॉर्मेट में ब्रेक कीजिए बहुत ही फेमिलियर हो चुके हैं प्रीवियस क्लास में बहुत ही दबाक क्वेश्चन किए इसमें तो कैसे करेंगे टेन आपका एज इट इस, इज इसके बाद नब्बे के नब्बे के दो गुने से हाँ ये कितना हो जाएगा एक सौ अस्सी नब्बे के दो गुने से भाई देखिए नब्बे के देखो इसको कैसे फॉर्मेट में चलिए बता दे रहा इसको नब्बे के फॉर्मेट में ब्रेक करने का मैंने क्या बताया था आपको कि नब्बे से भाई इसको करते हैं क्या डिवाइड हाँ तो नब्बे का डिवाइड करते हैं ना तो नब्बे के दो बार में कितना आ जाएगा एक करेक्ट अब इसको करेंगे इससे लेस हाँ इसको करेंगे इससे लेस समझ पा रहे हैं ना बहुत बढ़िया तो कितना आ जाएगा साठ और लिखने का फॉर्मेट क्या होता है बार बार आपको बताते हैं नब्बे के नब्बे के दो गुने से 90 नब्बे के नब्बे के दो गुने से से हाँ मेरे भाई साठ डिग्री साठ डिग्री अधिक है ये लिखने का इसका फॉर्मेट होता है फिर से समझ लेना नब्बे के नब्बे के दो गुने से दो गुने से हाँ दो गुने से साठ डिग्री साठ डिग्री अधिक है करेक्ट चलिए चलो देखो नब्बे के दो गुने से साठ डिग्री साठ डिग्री अधिक है समझ में आया ना भाई चलिए और देखिए ये याद देखिए सबसे पहले कि क्वाड्रेंट कौन सा है इससे आपको माइनस या प्लस का पता चलेगा तो देखिए क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी आपका टेन पॉजिटिव होता है तो प्लस आएगा इसके बाद नाइन्टी का और मल्टीपल है, तो है इवन तो ये नाइन्टी का इवन मल्टीपल है इवन मल्टीपल पे नो चेंज तो आ जाएगा आपका टेन साठ डिग्री करेक्ट और टेंट की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री जो कि आपका हंड्रेड परसेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना रूट थ्री ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका करेक्ट है अब बच्चे कहेगा कि क्या सर एग्जाम हॉल में जब हम बैठे होंगे तो हमको क्या याद होगा कि 120 और 240 डिग्री पे ये एंगल की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी हाँ क्योंकि पढ़ने के लिए तो भाई बहुत है जीएस है रीजनिंग है मैथ है इंग्लिश है जो हिंदी का बैकग्राउंड इसको हिंदी है तो देखिए मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है अगर आपको ये डिग्री का रेंज नहीं याद है कि इस पर इसकी वैल्यू इतनी होती है तो मैंने क्या कहा ट्रिपलेट है ना ट्रिपलेट का यूज़ कीजिए चलिए अब इसी क्वेश्चन को बताते हैं सेकेंड माइटर दे किसी बच्चे को अगर ये नहीं याद है रेंज का एंगल की पहले की 120 डिग्री और 240 डिग्री पे कॉस एक्स की वैल्यू माइनस का वन बाई रूट वन माइनस का वन बाई टू होती है कोई दिक्कत नहीं सेकंड बता रहे हैं आपको बहुत इजी ट्रिपलेट से कर लीजिए भाई आप चलिए कॉपी किया इसके बाद चलो हाँ हाँ मैंने क्या कहा कि अगर किसी को नहीं बताया रेंज चलिए कोई दिक्कत नहीं सारा आप रफ कीजिए तब आप रफ कीजिए चलो इसको हटाओ आप करेंगे आपका बिल्कुल बेसिक से चलो तो देखिए किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो क्वाड्रेंट नंबर थर्ड की बात हो रही है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्वाड्रेंट थर्ड में आपका टेन पॉजिटिव होता है टेन आपका पॉजिटिव होता है चलिए इसके बाद आपको गिवन क्या है कि कॉस कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन बाई टू और एक्स जो आपका लाई कर रहा है कहां पे थर्ड क्वाड्रेंट पे तो देखिए बहुत अच्छे से सही के समझना कॉस आपका क्या होता है आपका होता है बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपो होता है करेक्ट तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ट्रेंगल बनाइए आप चलो ट्रेंगल भी बना लेते हैं ये आपका एक्स है जब आपका एक्स यहाँ पे तो देखिए आपने फाइंड किया कि बेस की वैल्यू कितनी है आपकी वन करेक्ट और हाइपो की वैल्यू कितनी है टू तो आप परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के घटा दो तो कितना चार में से घटाओगे तो रूट थ्री आ जाएगा समझ पाया ना चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे ये यह माइनस जो लगा क्या क्या? मतलब ये तो देखिए अब आप सही से समझना अभी आपने क्या टिप्लेट निकाल लिया देखो कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन बाई टू एक्स जो है वो लाइक कर रहा है थर्ड क्वारंट पे और थर्ड क्वारंट पे आपका टेन पॉजिटिव होता है तो वहां पे आ गया कॉस अब जब ये गलत घर में घुस गया तो कॉस ऑलरेडी माइनस का हो जाएगा कॉस ऑलरेडी माइनस का हो गया तो इसीलिए कॉस थर्ड क्वारंट में है तो माइनस भाई किस लिए आया माइनस इसलिए आया कि, कि जो ये जो कॉस है ये थर्ड क्वारंट पे है और थर्ड क्वारेंट पे है तो आपका माइनस की तो वैल्यू आएगी कॉस में तो माइनस आपका इसलिए आया समझ पाए ना चलिए माइनस आपका इसलिए आया और टेन टेन एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है फाइंड क्या करना है आप टेन एक्स की वैल्यू टेन एक्स और टेन आपका होता क्या पी अपॉन बी पंडित ये होता है ना पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बद्री ये किसका सैम्बल डिनोट करता है टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेक्ट तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपकी मेरे भाई रूट थ्री बेस की वैल्यू कितनी है वन तो अल, आंसर क्या आ जाएगा आपका रूट थ्री चलिए ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर और देखिए आपसे एग्जामिनर ने पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट है आपसे एग्जाम टेन का पूछा है तो बताइए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि और जो बची वैल्यू है उनकी वैल्यू क्या होगी चलिए तो अब आप मुझे बताइए और आगे मैं आगे दे रहा हूं आपको ठीक है आपको बताना है मुझे साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स की वैल्यू टेन की तो भाई हाँ इन दोनों की वैल्यू आप बताइए मुझे चलिए तो कैसे बताएंगे तो देखिए देखिए ढंग से समझना देखिए जब आप थर्ड क्वारने में साइन आएगा जब थर्ड क्वार में साइन आएगा तो ऑलरेडी ये माइनस का हो जाएगा ना चलिए उसके बाद साइन होता है क्या आपका पी अपॉन एच पी की वैल्यू क्या है आपकी पी अपॉन एच हो जाएगा करेक्ट माइनस आएगा किस लिए क्योंकि ये जब थर्ड क्वारर में साइन आएगा तो माइनस का हो जाएगा इसीलिए तो माइनस आया था तब वही तो माइनस का आपको फंडा समझाया था तो माइनस की वैल्यू यहाँ पे आएगी और पी की आप क्या है पी है आपका रूट थ्री और एच है आपका टू करेक्ट तो साइन की वैल्यू क्या आएगी साइन की वैल्यू आएगी मेरे भाई साइन की वैल्यू आएगी माइनस का माइनस का रूट थ्री बाई टू करेक्ट ये हो जाएगी साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देखो कॉस आपका क्या होता है तो कॉस मेरे भाई होता है आपका बी अपॉन एच तो क्योंकि जब आपका कॉस थर्ड क्वार पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा करेक्ट तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा बेस की वैल्यू कितनी वन और आईपो की वैल्यू कितनी आपकी टू

नेक्स्ट देखिए कि आपका कितना इजी क्वेश्चन है ये फाइंड द देखो मैंने क्या कहा था अभी पिछली प्रीवियर क्लास में आपको मैंने क्या कहा था कि अगर किसी भी जैसे मैंने कहा कि साइन का साइन दस डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताइए तो क्या करते थे आप साइन दस का कॉम्प्लीमेंट्री बताने के लिए इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देते थे तो क्या हो जाएगा कॉस साइन अपने कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा और डिग्री को नब्बे से माइनस कर देते थे कितना आ जाता था कॉस का डिग्री करेक्ट प्रीवियस क्लास में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है चलो तो वो चीजें आपको रिकॉल करते रहना है अब आपको दिया गया क्या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉस 120 की आपको सटीक वैल्यू बतानी है cost 120 की, आपको सटीक वैल्यू बतानी है तो चलिए कॉस 120 की चलो इसको 90 के फॉरवर्ड में तोड़िए आप तो कैसे तोड़ पाएंगे आपका 90 के 90 के एक गुने से एक गुने से तीस डिग्री अधिक है करेक्ट चलिए नब्बे तीस डिग्री अधिक है, इसके ये क्या करता है? को, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी ज्यादा पहले क्वाड्रेंट से भी ज्यादा कहाँ आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में कहा पे आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी ज्यादा कहाँ आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है तो हो माइनस का इसके बाद देखिए 90 का ऑड मल्टीपल है इवन तो ये 90 का ऑड मल्टीपल है ऑड मल्टीपल पे रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हो जाएगा माइनस का साइन 30 डिग्री और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है माइनस तो आपका एज इट इज साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाई टू और ये वन बाई टू का जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का जीरो पॉइंट फाइव अरे इसका आधा कुछ नहीं एग्जाम्पल बस थोड़ा सा ही माइनस प्लस का आपको देगा कंफ्यूजन करने को ठीक है तो देखिए भाई जल्दी बाजी में आप सी ना रोंग कर सी मत टिक कर देना क्योंकि देखिए ये प्लस की वैल्यू है और आया किसमें आपका माइनस का बस थोड़ा सा ही थोड़ा सा आपका कंक्लूजन आपको रॉन्ग पहुंचा सकता है तो कौन सा होगा राइट ऑप्शन नंबर ए राइट कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए माइनस का जीरो पॉइंट आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर समझ में आया ना चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट देखिए आपका सेवनटीन सत्रह नंबर क्वेश्चन दे रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्या कॉस नाइन्टी प्लस ए ये आया आपका डिवाइड समझ पा रहे हैं हो सकता है कैमरे के लेंस की, की वजह से ना दिख रहा हो पर ये भाई आपका क्या है डिवाइड से दो सौ सत्तर माइनस ए प्लस साइन दो सौ सत्तर प्लस ए ये फिर से आपका क्या है डिवाइड चलिए मैं इसको फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ ये मेरे भाई बीच में यहाँ पे है डिवाइड अब तो जूम कर पा रहे हैं ना बहुत ही बेहतरीन हाँ ये बीच में आपका डिवाइड इधर यहाँ पे भी है बीच में डिवाइड चलिए क्या है डिवाइड हाँ चलो आप समझ पा रहे कोसेक कोसेक 630 डिग्री x हां a तो मैंने क्या कहा था जब कभी भी आपका 360 से ज्यादा हो जब कभी भी एंगल 360 से ज्यादा हो तो मैंने क्या कहा था इसको बस 360 से घटाइए तो 360 को 330 को 360 से घटा दीजिए करेक्ट बताया था मैंने चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो सॉल्व किया था ना क्यों इसको 360 से घटा रहे हैं क्योंकि मेरे भाई जब कभी मैंने कहा था एंगल का जो मान है एंगल का जो मान है वो 360 से ज्यादा है तो वहां से इसको हटा दीजिए हाँ वहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा हाँ समझ में आया ना क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब तीन से ज्यादा तब इसको सर... तो क्या आ जाएगा आपका तेरह और दो सौ सत्तर डिग्री कितना दो सौ सत्तर डिग्री समझ पाए ना चलिए दो सौ सत्तर डिग्री तो ये क्या हो जाएगा आपका दो सौ सत्तर डिग्री अब इसको लिखते हैं फिर से चलो नोट डाउन कीजिए क्या है आपका यहीं से सॉल्व कर सकते हैं ना देखिए क्या है कॉस नाइनटी प्लस ए क्वाड्रेंट बनाइए ये आपका फर्स्ट क्वार्टर पे ऑल पॉजिटिव सेकेंड क्वार्टर साइन पॉजिटिव थर्ड में पॉजिटिव फोर्थ में आपका पॉजिटिव देखिए 90 प्लस ए मतलब फर्स्ट क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर में आपका साइन पॉजिटिव होता है कॉस क्या हो जाएगा माइनस का माइनस का माइनस का इसके बाद 90 का और मल्टीपल है इवन और मल्टीपल चेंज हो जाएगा साइन साइन ए में समझ पा रहे हैं ना बहुत ही बेहतरीन चलिए इसके बाद आपका क्या है डिवाइड हाँ डिवाइड डिवाइड है तो आप जानते हैं ये आ जाएगा नीचे हाँ इसके नीचे अपॉन इसके नीचे क्या है सेक दो सौ सत्तर माइनस ए हाँ सेक दो सत्तर माइनस ए किस क्वार की बात हो रही है हाँ किस क्वार की बात हो रही है भाई मेरे तो ये बात हो रही है आपके थर्ड क्वार की इसकी रेंज होती है ना एक से एक से दो 70 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan पॉजिटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का माइनस का करेक्ट ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का मेरे भाई समझ पा रहे हैं ना चलिए इसके बाद ये 270 जो है देखिए सेक का आ, 90 का ऑर्ड मल्टीपल है इवन तो ये 270 90 का ऑर्ड मल्टीपल है तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा हां sec सॉरी sec है ना sec किस में कन्वर्ट हो जाएगा sec कन्वर्ट हो जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री cosec थीटा में हां cosec थीटा में चलिए थीटा की जगह पे क्या है आपका ए तो ये हो जाएगा कॉस एक ए इतनी बात समझ में आए उसके बाद आपका प्लस है तो प्लस लगा लिया इसके बाद देखिए साइन दो सौ सत्तर प्लस एक्स अब देखिए दो सो सत्तर, दो सत्तर तक तो था पर अब दो सौ सत्तर से भी ज्यादा अब किसकी बात हो रही है क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ की हाँ तो ये क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ की बात हो रही है उसके बाद फोर्थ में आपका कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हाँ इसके बाद ये दो सत्तर नाइन्टी का ऑड मल्टीपल है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा अपने कॉस का कॉस ए अपॉन इसके बाद डिवाइड है भाई ना डिवाइड के नीचे आपका ये है क्या कॉशेक दो माइनस एक्स इस क्वारंट की बात हो रही है आपकी थर्ड क्वारंट और थर्ड क्वारंट में आपका टेन पॉजिटिव होता है ये को क्या हो जाएगा माइनस का उसके बाद दो सौ सत्तर आ, दो कौशेक दो सत्तर माइनस ए ये जो आपको दो सत्तर है नाइन्टी का और मल्टीपल है और मल्टीपल की वजह से ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो कौशक अपने कॉम्प्लीमेंट्री सेक में कन्वर्ट हो जाएगा तो सेक ए इतनी बात समझ में आई बहुत ही बढ़िया चलिए यहां से देखिए आप माइनस से माइनस कैंसिल यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल टू अब आपका क्या बचा साइन हाँ साइन अपॉन कौशक ये आपका क्या है साइन A. और आप जानते हैं ना कि कौशे को कैसे लिख सकते हैं कौशे का रेसी प्रोकल क्या होता है थीटा इस इक्वल वन थीटा इसका रेसी प्रोकल होता है होता है ना तो चलिए ये क्या हो जाएगा आपका आपका ये साइन ये ओवरलैप कर जाएगा कहा जाएगा ऊपर करेक्ट तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए।, ए समझ पा रहे हैं ना बढ़िया चलो और इसके बाद आया आपका प्लस तो प्लस लगा लिया न्यूमरेटर में क्या है आपका कॉस ए न्यूमरेटर में है मेरे भाई आपका कॉस ए हाँ कॉस ए न्यूमरेटर में आपका कॉस ए और नीचे क्या आया का डिनोमेटर में कॉस सेक ए और सेक को कैसे लिखते हैं वन अपॉन कॉस ए और आप भी जानते हैं कॉस ए जो आपका ओवरलैप कर जाएगा वो कहाँ पहुंच जाएगा इसके पास और कॉस और कॉस इन हो के क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अब भाई मैंने आपको एक आइडेंटिटीज पढ़ाई थी ना क्या की आइडेंटिटीज पढ़ाई थी आपको की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है तो थीटा की जगह पे भाई अब आपका ए है तो ये किसके इक्वल में हो जाएगा ये वैल्यू आपकी पूरी किसके इक्वल में हो जाएगी वन के हाँ वन के तो आंसर क्या आ जाएगा आपका वन जो कि आपका हंड्रेड परसेंट करेक्ट आंसर आपने फाइंड किया है ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका करेक्ट है समझ में आया ना चलिए चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पहुंचे हम अठारह नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन माइनस का चार सौ पांच डिग्री बहुत ही देखने में भयानक लग रहा चलिए उठा के लगी यहां पे इसको तोड़ते हैं बहुत ही प्यार भरी नजरों से चलो क्या है आपका साइन साइन माइनस का 405 डिग्री भाई ये माइनस बहुत गड़बड़ी करता है ये जो माइनस यहाँ पे लिखा है बहुत गड़बड़ी करता है तो कुछ नहीं माइनस को उठा करो पहले आगे लाओ माइनस को सबसे पहले यहाँ पे आगे रख दो कि भैया आप मुझे डिस्टर्ब ना करें इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले आगे रख दिया इसके बाद क्या बचा आपका साइन साइन चार सौ पाँच डिग्री अब मैंने क्या कहा इसको नाइन्टी के फॉर्मेट में तोड़ दो हाँ तो देखो साइन आपका एज इट इज़ हो जाएगा इसके बाद नब्बे के देखो ऐसे करते हैं ना भाई चार सौ पाँच डिग्री करेक्ट इसको नब्बे के फॉर्मेट में तोड़िए हाँ नब्बे के फॉर्मेट में आप इसको मेरे भाई आप तोड़िए तो जब इसको आप नब्बे के फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा देखो नब्बे का चार गुना कितना हो जाएगा आपका तीन सौ साठ डिग्री करेक्ट जब इसको आप फाइनल करेंगे तो आपका आ जाएगा फाइव इसके बाद ये पैंतालीस तो देखिए क्या हो जाएगा मेरे भाई देखिए लिखने का फॉर्मेट क्या होता है नब्बे के चार गुने से ये आपका फोर है नब्बे के चार गुने से 45 डिग्री अधिक है ये लिखने का इसका फॉर्मेट सीरीज होती है चलो तो क्या हो जाएगा भाई नब्बे के चार गुने से 45 डिग्री अधिक है चलो तो क्या देखिए माइनस तो आपका एजिज इसके बाद ये देखिए किस क्वारंट की बात हो रही है देखो फर्स्ट क्वार से भी ज्यादा ये किसको रिप्रेजेंट करता है क्वारंट को तो फर्स्ट क्वार से भी ज्यादा फर्स्ट को सॉरी ये जो आपका फोर लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये आपको रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई आपका क्वारेंट का और किस क्वार की बात हो रही है फोर्थ क्वारंट फोर्थ क्वारेंट आपका ये फर्स्ट हाँ ये फर्स्ट क्वारंट ये सेकंड क्वार्टन ये थर्ड क्वार्डन ये फोर्थ अब फोर्थ क्वारंट से भी ज्यादा कहाँ पहुंच गए फर्स्ट क्वारेंट पे और फर्स्ट क्वारेंट में आपका सारे फंक्शन होते हैं पॉजिटिव करेक्ट सारे फंक्शन होते हैं आपके ऑल पॉजिटिव हा ऑल पॉजिटिव तो देखिए ये तो आपका पॉजिटिव रह जाएगा इसके बाद देखिए नाइन्टी का और मल्टीपल है इवन तो नाइन्टी का ये इवन मल्टीपल है और इवन मल्टीपल पे नो चेंज तो क्या आ जाएगा आपका एज इट इज साइन पैंतालीस डिग्री और साइन पैंतालीस की वैल्यू क्या होती है माइनस तो आपका एज इट इज रहेगा और की वैल्यू क्या होती है वन बाई रूट टू हाँ साइन पता इसकी वैल्यू क्या होती वन बाई रूट टू तो माइनस का वन बाई रूट टू जो कि आपका करेक्ट आंसर है भाई चलो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर डी माइनस का माइनस का माइनस का वन अपॉन रूट टू करेक्ट चलिए बाकी आपके सारे रॉन्ग हो जाएंगे एसएससी में पूछा गया था 2023 में चलो 19 नंबर क्वेश्चन के बाद 20 नंबर हाँ दो को हाँ 21 नंबर चलिए तीन क्वेश्चन और बचे हैं जल्दी से करते हैं स्पीड में बहुत इजी क्वेश्चन है क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 माइनस का 1125 माइनस का 1125 चलो करते हैं भाई इसको सॉल्व चलिए उठा के लाइए इसको क्या है आपका 10 10 माइनस का 1100 25. तो मैंने क्या कहा माइनस बहुत भाई आपको तंग करता है सबसे पहले माइनस को उठा के आप आगे लाइए इसके बाद लिख लीजिए आप 10, 10, ग्यारह सौ पच्चीस डिग्री अब इसको कुछ नहीं 90 के फॉर्मेट में ब्रेक करिए तो देखिए ग्यारह सौ पच्चीस इसको 90 से करिए आप डिवाइड 90 से डिवाइड करेंगे नाइन्टी वन नाइन्टी ठीक तो आ जाएगा आपका ये नब्बे अब नब्बे से क्या कर रहे हैं आप डिवाइड चलो कलर चेंज करो नब्बे से एक बार में कितना आ जाएगा आपका नब्बे ये कितना हो जाएगा आपका टू और ये कितना आ जाएगा आपका टू दो सौ बाईस और ये आप जब फाइव यहाँ पे आएंगे तब देखिए एक सौ अस्सी करेक्ट ये आ जाएगा आपका पैंतालीस तो देखिए इसका लिखने का फॉर्मेट आपको क्या बताया नब्बे के बारह गुने से नब्बे के बारह गुने से हाँ पैंतालीस डिग्री अधिक है नब्बे के बारह गुने से नब्बे के बारह गुने से पैंतालीस डिग्री अधिक है ये लिखने का इसका फॉर्मेट होता है तो क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा मेरे भाई देखो माइनस तो आपका इज इसके बाद टेन टेन नब्बे के नब्बे के बारह गुने से बारह गुने से पैंतालीस डिग्री हाँ पैंतालीस डिग्री अधिक है इसको आप कर दीजिए रफ चलो अब देखिए किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो मेरे भाई देखिए बारह जो है आपका हाँ ये बारह जो है फोर का मल्टीपल है देखिए बारह जो है आपका फोर से डिविजिबल है बहुत ही बढ़िया हाँ फोर से पूरा पूरा चला गया करेक्ट तो किसकी अच्छा देखिए ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व हाँ बारह तक आ गए और बारह वाले बारह घर से भी ज्यादा कहां पे आ गए पहले घर में करेक्ट अब आ गए आप फर्स्ट क्वार पे और फर्स्ट में आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं करेक्ट चलिए क्या हो जाएगा आपका यहां से हो जाएगा भाई मेरे माइनस तो आपका एजिटिव इसके बाद ये देखिए नब टेन नब्बे के बारह गुने से भी ज्यादा कहाँ फर्स्ट क्वार्टर में बता दिया ना आपको चलिए बारहवें घर से भी ज्यादा तेरहवें घर में तेरहवें घर में, में, में कहा पे आ गए फर्स्ट से फर्स्ट क्वारेंट में करेक्ट चलिए तो देखिए हाँ फर्स्ट क्वार में आपके सारे पॉजिटिव होते हैं चलिए इसके बाद ये नाइन्टी का और मल्टीपल है इवन इवन मल्टीपल पे नो चेंज तो हो जाएगा आपका टेन पैंतालीस डिग्री करेक्ट तो देखिए टेन पैंतालीस की वैल्यू क्या होती है माइनस तो आपका एज एजिटीज है टेन पैंतालीस की वैल्यू होती है आपकी वन तो आंसर आपका आ जाएगा करेक्ट माइनस वन हंड्रेड परसेंट करेक्ट है जो कि आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है एस एस सी सी जी एल में भाई देखिए कितने ईजिली आप कर पा रहे हैं चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आपका देखिए ट्वेंटी नंबर क्या कह रहा है ट्वेंटी नंबर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन टेन चार हजार तीन सौ चौरासी डिग्री प्लस हजार आठ सौ चौदह डिग्री कितना बड़ा भयानक लग रहा है भाई हाँ पर डरना नहीं हाँ डरना नहीं है एक बार नोट डाउन कीजिए फिर से आप तो क्या है आपका भाई टेन हाँ टेन चार हजार तीन सौ चौरासी डिग्री प्लस चार हजार तीन सौ चौरासी डिग्री प्लस कॉट कॉट छ हजार आठ सौ चौदह डिग्री हाँ चलिए तो मैंने क्या कहा कुछ नहीं भाई बस आप नाइन्टी के फॉर्मेट में तोड़ दीजिए हाँ नाइन्टी के फॉर्मेट में ब्रेक कीजिए तो देखिए इसको पहले उठाइए आप चार हजार तीन सौ चौरासी चार हजार तीन सौ चौरासी नब्बे से आप करिए इसको डिवाइड करेक्ट और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे इसको भी कर लीजिए अड़सठ चौदह को नब्बे से करिए आप डिवाइड एक ही साथ में चलो कुछ नहीं भाई ज्यादा कुछ भटकना ही नहीं है ज्यादा आपको भटकना ही नहीं बस मैंने एक ही बात कही आप है आपसे शुरू से लास्ट तक कहते आ रहे हैं बस मेरे भाई नब्बे के फॉर्मेट में आप करिए इसको ब्रेक हाँ तो देखिए चलो करते इसको सॉल्व तो नब्बे के फॉर्मेट में करेक्ट तो देखो क्या हो जाएगा आपका एक ही बार में तोड़ दें चलो नब्बे से लेके चलते हैं या एक काम और कर सकते हो आप इसको 360 से भी डिवाइड कर सकते हो क्या मैंने कहा आप इसको ना भाई मेरे 360 से भी डिवाइड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आप इसको 360 से भी कर सकते हो आप डिवाइड चलो तो पहले 90 वाला फंडा बता दें आपको तो देखियो 90 का चार टाइम मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा तीन सौ साठ तीन सौ साठ और नौ, नौ पैंतालीस पास ज़्यादा हो जाएगा तो देखिए 90 के पहले मल्टीपल पे थोड़ी कितना आ जाएगा तीन सौ साठ चलो सब कुछ हटाओ 90 के मल्टीपल पे तोड़ो बार बार से झंझटी खत्म कर इसको करते हैं लेस बाई तो क्या आ जाएगा आपका एट हाँ ये हो जाएगा फोर सेवन अठहत्तर फोर आप फिर यहाँ पर लिखिए इसके बाद एट बार में हाँ बहत्तर चलिए ये आपका फोर एज इट इज ये कितना आ जाएगा आपका सिक्स और ये आपका कट जाएगा चौसठ डिग्री हाँ चौंसठ डिग्री इसके बाद कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है तो देखिए बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं चलिए हालांकि आप तीन सौ साठ से भी कर सकते हैं पर वो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है चलिए कुछ नहीं चलो ये आपका है चौंसठ डिग्री इसको भी तोड़ो अब यह क्यों भटका है आपको जब नॉट नाइन्टी के फॉरवेड में ये ब्रेक करना बताया तो आप तीन सौ साठ नहीं बताएंगे चलो कोई दिक्कत नहीं नाइन्टी के फॉरवेड में कितना हो जाएगा आपका सेवन <coughs> बार भी आ जाएगा आपका तिरसठ करेक्ट या आ आप जाएगा आपका वन यहाँ पे फाइव इसके बाद फोर अब कितनी बार में जाएगा फाइव टाइम में हाँ पैंतालीस फोर और ये देखो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा इसे देखो इससे ये, ये कैरी लेगा एलेवन हो जाए अलेवन में फाइव आप जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा सेवन करेक्ट आ जाएगा आपका सेवन चलो ये आ गया आपका चौहत्तर डिग्री समझ पा रहे हैं ना किस फॉर्मेट में इसको करना है भाई मेरे आपको ब्रेक तिरसठ किया वन आया ये आ गया आपका फाइव फोर लिया ये फोर चौसठ चलो इतना तो आ गया ना इसके बाद इसके बाद आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कीजिए आप हाँ इसकी वैल्यू को मेरे भाई आप यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे करना आप इसकी वैल्यू को आपको यहाँ पे फाइंड है ना चलिए उसके बाद बस इसको उठा के यहाँ पे लाइए हाँ इसको यहाँ पर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है नब्बे के नब्बे के हाँ अड़तालीस गुने से अड़तालीस गुने से चौंसठ डिग्री अधिक है ये आपका क्या हो जाएगा नब्बे के पचहत्तर गुने से हाँ ये भाई हाँ गलती हो गई गलती हो गई यहाँ पे आपका चौंसठ होगा हाँ ये भाई मेरा चौंसठ होगा आपका हाँ ठीक है चौंसठ लिखने का फॉर्मेट क्या होगा नब्बे के पचहत्तर गुने से पचहत्तर गुने से चौंसठ डिग्री चौंसठ डिग्री अधिक है हाँ चौंसठ डिग्री अधिक है तो लिख दीजिए भाई आप चलो तो क्या हो जाएगा आपका सही किया है हाँ चलो तो हो जाएगा आपका टेन आपका इज इसके बाद देखिए भाई मेरे इसके बाद देखिए आपका नब्बे के नब्बे के अड़तालीस गुने से अड़तालीस गुने से हाँ चौंसठ डिग्री चौंसठ डिग्री अधिक है समझ पाया ना इसके बाद प्लस कॉट कॉट नब्बे के नब्बे के नब्बे के पचहत्तर गुने से पचहत्तर गुने से हाँ चौंसठ डिग्री चौंसठ डिग्री अधिक है समझ पाया ना बहुत ही बेहतरीन या, या फिर इसको इसको यहाँ पे लिखा रहने भाई ये तो मैंने समझने के लिए ना कि क्या किया गया इसके बाद अब करते हैं इसको भाई मेरे सॉल्व तो देखिए किस क्वार की बात हो जाएगी आपकी देखिए क्वारेंट बनाइए यहां पे ब्लैक कलर से क्वारेंट चलिए इतना तो समझ में आया ना चलिए हाँ चलो किस क्वारेंट की बात हो रही है तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ अब देखिए नब्बे के नब्बे के अड़तालीस गुने से चौसठ डिग्री अधिक है तो देखिए ये जो आपका होता है ये ये आपको क्वारेंट का रिप्रेजेंट करता है करेक्ट तो देखिए अड़तालीस जो है आपका फोर का मल्टीपल है भाई मेरे फोर का मल्टीपल है देखिए कैसे फोर से जा रहा है ना वन टू बारे फोर का मल्टीपल है और पिछली बार में देखा था बारहवा घर कहाँ आ रहा था आपका ये करेक्ट तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से भी ज्यादा कहाँ आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हाँ तो देखिए फर्स्ट क्वार्टर में आपके सारे पॉजिटिव तो हो जाएगा 10 हाँ सारे पॉजिटिव और 90 का इवन मल्टीपल है और इवन मल्टीपल तो एज इट इज आ जाएगा आपका 10 10 चौंसठ डिग्री प्लस है तो प्लस लगा दिया प्लस है तो मेरे भाई आपने प्लस लगा दिया इसके बाद वो वाला आगे वाला आप करिए सॉल्व जब आप आगे वाला सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हाँ इस वाले पे आइए तो क्या है आपका कॉट नाइन्टी इंटू पचहत्तर तो देखिए 75 को आप क्या करना है कुछ नहीं मेरे भाई 75 को आप फोर से करिए डिवाइड हाँ फोर से करते हैं डिवाइड देखो 75 को आप करना है फोर से डिवाइड तो देखिए किस क्वाड्रेंट पे आएगा रिमाइंडर जो आपका बच के आएगा वाई आपका क्वाड्रेंट होगा चलिए क्या फोर वन जा फोर कितना आ गया आपका थ्री हाँ पैंतीस करेक्ट पैंतीस इसके बाद हाँ एट बार में कितने जाएगा आपका बत्तीस उसके बाद रिमाइंडर आपका कितना बच के आया भाई पैंतीस में से जब बत्तीस आप घटाएंगे रिमाइंडर आएगा आपका थ्री और थ्री क्वारेंट का मतलब क्या हो गया इसका मतलब क्या हो गया आपका थ्री रिमाइंडर बचा हाँ रिमाइंडर कितना बचा आपका थ्री रिमाइंडर आपका थ्री मतलब थर्ड क्वारेंट और थर्ड क्वारेंट से भी ज्यादा मेरे भाई कहाँ गया फोर्थ क्वारेंट और फोर्थ क्वारेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है तो टेन कॉर्ट क्या हो जाएगा आपका निगेटिव कॉर्ट हो जाएगा आपका निगेटिव तो ये हो जाएगा आपका भाई मेरे निगेटिव उसके बाद पचहत्तर हाँ पचहत्तर जो है नाइन्टी का और मल्टीपल या इवेन तो नाइन्टी का ऑड मल्टीपल ऑड मल्टीपल होने की वजह से ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा आ जाएगा आपका टेन चौंसठ डिग्री हाँ फाइनल ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कट जाएगी आपका आंसर क्या आएगा ज़ीरो समझ में आया ना बहुत ही बेहतरीन